पिज्जा है 4 slices वाला, एक स्लाइस मैम खा गई तो क्या हो गया 1/4, दिस इज फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 कॉमन फ्रैक्शंस पार्ट 8। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो कॉमन फ्रैक्शंस, कॉमन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ होल। पूरी चॉकलेट में से मैम ने हाफ चॉकलेट खाई थी, ठीक है, फ्रैक्शन हुआ था। पूरे ग्लास ऑफ वाटर में मैम ने फ्रैक्शन ऑफ वाटर पी लिया था, हाफ ऑफ द वाटर पी लिया था। ठीक है, ऑरेंज में से मैम ने 2 slices खाए थे, टोटल 8 slices थे। रिकॉल कीजिए सारे एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ अगर एक पिज्जा है 4 slices वाला, एक स्लाइस मैम खा गई तो क्या हो गया 1/4, दिस इज फ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, पार्ट 2 में इम्प्रॉपर टू मिक्स, मिक्स टू इम्प्रॉपर का कन्वर्जन देखा था, पार्ट 3 में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन देखा था, पार्ट 4 में लोएस्ट फॉर्म, पार्ट 5 में एडिशन, पार्ट 6 में सब्ट्रैक्शन, पार्ट 7 में मल्टीप्लिकेशन, पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से हम पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो हमारे डिवीजन में यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। किसका उल्टा? सपोज कीजिए ये फ्रैक्शन है 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। ठीक है, अगर कोई नंबर है फ्रैक्शनल नंबर 9/14, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 14/9। अगर कोई नंबर है 5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। ठीक है, अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1। ठीक, अब ये रेसिप्रोकल होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जब, तब क्या होता है, रिजल्ट जो होता है वो आता है 1। तो आप समझ गए रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब किसी भी नंबर का उल्टा, उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। और जब इन दोनों नंबर की रेसिप्रोकल की किसी नंबर की उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? बस आप दिमाग में रख लीजिए कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज होती है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/11, आप लिख देंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 11/7। ठीक है, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। ठीक, चलिए आप देखते हैं आगे डिविजन में क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय नेचुरल नंबर। चलिए, फ्रैक्शनल नंबर बाय नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होता नेचुरल। ठीक है, नाउ डिवाइड 1/2 by 4, 1/2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1/2 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 को पहले तो हम फ्रैक्शन बना लें, 4/1 हो गया। ठीक, अब डिवाइड कैसे करेंगे, जब भी डिवीजन हो आप क्या करेंगे, अच्छा 4/1 लिखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/4। ठीक है, तो 1/2 है। अब अगर मैं इस डिवीजन के साइन को चेंज कर दूं मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये भी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे डिवीजन का साइन हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, डिविजन के साइन को
मल्टीप्लीकेशन का साइन बनाते ही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मतलब आप जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसका लिखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करेंगे, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 4 से मल्टीप्लाई, 1/8 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए 3/4 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, ये हो गया। अब जैसे 3/4 ये साइन हमने मल्टीप्लीकेशन का किया, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और ये क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1/4। आई होप आप समझते, बहुत ही आसान है, बस डिविजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन का करना है और ये जो हमारा नंबर है फ्रैक्शनल नंबर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर। नाउ सी डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर, दोनों नंबर फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। चलिए 1/4 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है, ये नंबर एज इट इज रहेगा। ये जो हमारा डिविजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लीकेशन का बनाएंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मतलब 2/5 का रेसिप्रोकल विल बी 5/2, इसका आंसर आ गया 5/8, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं दो मिक्स जो फ्रैक्शन है तब क्या करेंगे, पहले इनको फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 5 × 2 = 10 प्लस 1 = 11/2, 9 × 9 = 9, 10 = 11/9, ठीक है। नाउ 11/2 ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको काटो इसको काटो, ये क्या बचा 9/2। आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 × 4 = 8 एंड 1 remainder, ठीक है। इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना मैं हमने पार्ट 2 में बताया बहुत डिटेल में, ठीक है। सारे पार्ट सीरीज से देखिए, पूरा फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन आपको बाय हार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट। नाउ टुडेज मैथ फैक्ट इज, आप लोगों ने बहुत जगह ये सिंबल लिखा होगा, लिखा देखा होगा, ठीक है, gmail@gmail.com @yahoo.com@@ आप बोलते हैं इसको @, लेकिन इसको क्या, इस सिंबल का क्या नेम होता है, क्या मैथमेटिकल नेम होता है इसका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एज पर रैंड, ठीक है। ये सिंबल अब आप जहां भी देखेंगे आपको पता है कि इसका क्या नेम होता है, @ एज पर रैंड, इजंट इट इंटरेस्टिंग, आपको पता था अभी तक, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल गया, दिस इज एज पर रैंड। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू द यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन एंड अ मैथ फैक्ट। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट देयर विल बी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन। अरे मैम वर्ड प्रॉब्लम्स भी है फ्रैक्शंस में, यस फ्रैक्शंस की भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू माय सीरीज, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।